जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ हैं नवीन जी जो आए हुए हैं। नवीन जी ट्रांसफर लेने के लिए हमारे पास आए हुए थे आज से लमसम 3 महीने पहले, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और वामिनी देवी की इन्होंने डिमांड करी थी कि वामिनी देवी हमें भैया जी चाहिए। तो नवीन जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए लोगों को। मेरा नाम नवीन गुप्ता है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 3 महीने पहले जी यही भोले तंत्र चैनल से जी मतलब मैं टच में आया जी। पहले मैं वीडियो देखता रहा जी, मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने देखा, मैंने कहा कि लगता है कि ये सही है गुरु जी, तो वही मैं देखता देखता फिर मैंने एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर लिया। व्हाट्सअप किया था आपने, पहले व्हाट्सअप किया था। व्हाट्सअप करने के बाद फिर मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया। हमारा जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का जो सबसे, फिर आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जी कि आपने मुझसे कहा कि मतलब काम पहले आप सिद्धि ले लीजिए फिर उसके बाद आप पेमेंट करिएगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होता है और एडवांस में फीस नहीं ली जाती है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप हमारे पास आते हैं और उसके बाद ही ट्रांसफर के दौरान आपको फीस जमा करनी होती है। तो नवीन जी ये बताइए कि ट्रांसफर जब आप हमारे पास लेने आए थे तो आने में कोई आपको समस्या हुई क्या वहाँ पर हमारे घर पे आने में? नहीं, आने में तो सर कोई समस्या नहीं हुई। आपको लाइव लोकेशन भेज दी गई थी और स्टेशन से आप आराम से आ गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल। और घर का माहौल कैसा लगा आपको? घर का माहौल तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसा आएगा। और खाने पीने में और कोई भी एक तरह होता नहीं है कोई आदमी आता है बाहर से संकोच करता है? अरे नहीं नहीं गुरु जी, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रात में जब आपको ट्रांसफर के लिए बैठाला गया था, तो अब मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तो मेन पॉइंट भी याद ये है कि जब आपको वामिनी देवी के ट्रांसफर के लिए बैठाला गया और जब आपको हमने ट्रांसफर के लिए बैठाला, तो आप कांप क्यों रहे थे? हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो पता नहीं कोई अजीब सी एनर्जी ऐसा मुझे फील हो रहा था, पहले कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जी जी नहीं, तो देखिए बात ये रहती है कि जो हमारा पूजा कक्ष है, जो पूजा का जहाँ पे हम बैठक करते हैं, तो वहाँ पर जो जप ऊर्जा होती है और जो हमारी जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, जाप होते हैं, तो उसमें उनकी जो एनर्जीज होती है वहीं पर ही घूमती रहती हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो कुंडली जागरण हुआ हो, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ हो, तो सडन आपको जब वो चीज़ अटैक करी हो, अंदर एब्जॉर्ब हुई हो, तो उसकी वजह से हलचल आप महसूस कर सकते थे। और जब आपको ट्रांसफर के लिए हमने आपका जब थर्ड आई एक्टिवेट किया था और सारा प्रोसेस किया था, गुप्त अनुष्ठान है वो आपको थोड़ा बहुत नहीं बता सकते यहाँ पे, तो शक्ति के दर्शन कितने मिनट में हुए थे आप ये दर्शकों को बता सकते हैं? दर्शन तो मुझे हो गए थे 10 से 15 मिनट में। दर्शन हो गए थे, और दर्शन में कोई दिक्कत आई थी आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। और ट्रांसफर का प्रोसीजर आपका पूरा बढ़िया रहा? हाँ बिल्कुल बढ़िया रहा जी। तो और सुबह जो भी प्रैक्टिकल आपको कराए गए थे, जैसे कि आपके हाथ में क्या है, पर्ची क्या है, और सारी जो, अरे मुझे आज से पहले ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं ये सब पता कर सकता हूँ कि किसकी जेब में क्या है, जैसा क्या है। जी जी। लेकिन जब मुझे अचानक से मुझे खुद अनुभव होने लगा कि नहीं, मैं अब मुझे पता चल रहा है कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है। जी, अब तो बहुत अच्छा लगा था हमें। तो आशा करते हैं कि आप भविष्य में अच्छा ही काम करेंगे और लोक कल्याण जन कल्याण का ही काम करेंगे। बिल्कुल गुरु जी, आप आशीर्वाद रहा। नहीं नहीं, वो चीज़ तो है, आप ग्रुप में भी ज्वाइन रहेंगे और हमारे 6 महीने वाले में भी आप ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये छोटा सा अनुभव आप लोगों के लिए बनाना मैंने सोचा, क्योंकि अनुभव मैं नहीं डाल रहा था और लोगों को ये लग रहा था कि ट्रांसफर इस समय नहीं चल रहा है, और ऐसा नहीं है। और काफ़ी अनुभव पड़े हुए हैं, हम अनुभव नहीं डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, आप लोगों की बुकिंग इतनी ज़्यादा है ट्रांसफ़र की। तो नवीन जी एक आखिरी प्रश्न हम पूछेंगे, उसके बाद वीडियो हम खत्म करते हैं। तो संतुष्ट रहें आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़र के लिए? पूरी तरह से। 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 100 में से 100 देंगे जी। तो एक थम कर दीजिए ओके का, और बढ़िया रहा आपका जीवन, आप आशा करते हैं अच्छा काम करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। बिल्कुल। तो तब तक के लिए जय श्री बोले, आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सभी लोग।